अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे होम ट्यूशंस के बारे में। आपको पता है कि सऊदी अरब में इस वक्त होम ट्यूशंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसकी दो वजह है। एक वजह तो ये है कि सऊदी अरब में जो एकेडमिक सेशन है 24 to 25 का, वो स्टार्ट हो गया है मिड अगस्त से। दूसरा, जो सऊदी अरब के जो किंग हैं और क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की हुई है कि जितने भी लोग हैं और जितनी भी गवर्नमेंट के ऑफिस और प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स आएंगी, अगर कोई सऊदी नेशनल है और उसको हासिल करना चाहता है तो उसके लिए बेसिक इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो सऊदी अरब में इस वक्त इतने लोग ट्यूशंस की तरफ हैं, होम ट्यूशंस की तरफ, के जो अच्छे टीचर हैं उनके पास टाइम नहीं है। मुझे याद है कि मैं पाकिस्तान में था समर वेकेशन में, और मुझे बहुत लोगों ने कॉन्टेक्ट किया कि हमें बच्चों के लिए टाइम चाहिए, या समर वेकेशन में हमें टाइम दें, या इसके बाद अगर आप आते हैं तो टाइम दें। तो जब मैं आया तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे रابطہ किया, और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो न्यू लोग आ रहे हैं सऊदी अरब में, या आना चाहते हैं, या मौजूद हैं, या जो फीमेल विजिट वीज़े के ऊपर मौजूद हैं, उन लोगों के लिए। अच्छा, इसके दो तरीके हैं। जो मैंने तरीका अपनाया, मैंने तो एक पैम्फलेट, एक ये विजिटिंग कार्ड सा डिस्प्ले किया और इसको अपने व्हाट्सएप पे शेयर किया, और डिफरेंट सऊदीज जो मेरे जानने वाले थे उनको मैंने कहा कि ये अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दें, फिर आप देखें कि क्या होता है, इतनी आपको डिमांड आती है। ये मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आप लोग इसको किस तरह यूज कर सकते हैं, सेम आप इसी तरह लिख सकते हैं। मोस्ट डिमांडिंग जो है वो इंग्लिश है, और बेसिक इंग्लिश है। इसके अलावा भी सब्जेक्ट हैं डिफरेंट, जो जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नीड होती है, जिसमें मैथ है, फिजिक्स है, स्टैट है, केमिस्ट्री है, और भी कंप्यूटर के सब्जेक्ट हैं, उनकी भी ट्यूशंस हैं। लेकिन अगर आप बेसिक इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, या आप सिर्फ इंग्लिश के टीचर हैं, या किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो उसको पढ़ाने का क्या तरीका कार है? आप सेम इसी तरह का एक कार्ड छपवा सकते हैं, कंप्यूटर से खुद भी प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड से बोले कि वो ऑफिस में काम करते थे, जितने भी उनके ऑफिस में लोग उनके सर्कल में आते हैं उनको शेयर कर दें, कि व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। बहुत सारे सऊदी हैं जो बिला लॉस ये कर देते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता। एक सऊदी के अगर कम से कम 10 बंदे भी व्हाट्सएप देखते हैं, 10 तो नहीं देखते, अब तो 100 के हिसाब से होता है, चलो 50 60 तो देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है। वो व्हाट्सएप स्टेटस देख के आपके व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे। ये आपको होम ट्यूशन, होम घर जाके पढ़ानी पड़ेगी। और अगर आप मेल हैं और आपके बहुत ज़्यादा सऊदी वाकफ़ नहीं हैं, तो जितने भी पाकिस्तानी दोस्त हैं या आपकी कम्युनिटी के आपके अराउंड में वर्क करते हैं लोग जो सऊदी अरब में वर्क करते हैं, उनको बोलें कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दें। तो भी बहुत सारे सऊदी, कोई होम ड्राइवर है, कोई होटल पे है, या डिफरेंट जो जॉब्स कर रहे हैं, वो लोग जब शेयर करेंगे तो उनके साथ बहुत सारे सऊदी कंटेक्ट में होते हैं, तो वो भी आपसे रब्ता कर लेंगे। उसके अलावा आप इसको एक विजिटिंग कार्ड अपना छुपवा सकते हैं, 100 200 रियाल या 300 रियाल लगेगा। अगर एक ट्यूशन भी मिल जाती तो आपको 1000 रियाल की एक ट्यूशन होती है। एक वीक में 3 डे पढ़ाना होता है, और उसकी 1 आवर पढ़ाना होता है, और उसकी 1000 फी है, या उससे प्लस भी है, बहुत सारे लोग उससे प्लस भी देते हैं। अगर आप विजिटिंग कार्ड छुपवा लेते हैं, आप अपने हस्बैंड को दें, अपने किसी दोस्तों को दें, कि आप सऊदी, सारे जो आप सऊदी अरब में हैं तो जहरी बात है अराउंड द पीपल जो सऊदी होंगे उनको आप दे दें विजिटिंग कार्ड। अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें उस पर, और विजिटिंग कार्ड पे अरबी और इंग्लिश दोनों इसको नोट करें और उनको दे दें। और उम्मीद मुझे है कि विद इन आर डेज, विद इन आर 2 3 डेज आपको ट्यूशन मिलनी शुरू हो जाएंगी। जब आप अच्छा रिजल्ट देंगे तो आपके पास इतनी ट्यूशन होंगी कि मेरी तरह आपके पास सोने का टाइम नहीं होगा फिर। ये तो मैंने अपने तरीके से किया। आप अपने तरीके से भी बहुत सारे आइडियल यूज करके इसको हासिल कर सकते हैं डिफरेंट वे से। अगर आपके पास सऊदी अरब के अंदर हैं तो टाइम वेस्ट ना करें। सीजन है, अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे लोगों को जरूरत है। अगर आप अच्छे टीचर हैं, आपकी स्पोकन अच्छी है, मेरे आइडिया को जरूर करें। और ये फेसबुक के हराज के पेज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी जाएं और यहाँ पे भी शेयर कर दें, लेकिन अपना शहर का नाम लिख के। तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करे। उम्मीद है हमारी जो ये जो सजेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।